स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ स्टूडेंट्स, फाइनली वो वीडियो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, ठीक है। कल कुछ कारण से मैं बिज़ी था क्योंकि परसों एग्ज़ाम था और मेरे को कल के डेट में बिलासपुर जाना था ज्वाइनिंग लेटर लेने, ठीक है। करके मुझे कल फिर रिटर्न भी होना पड़ा अपने घर, बिलासपुर से 100 किलोमीटर दूर है। उसके बाद मैंने कोशिश की हिंदी की वीडियोज़ अपलोड की, है ना। और अभी फ़िलहाल हिंदी का आज के डेट में अपलोड कर चुका हूँ, कल शाम को इंग्लिश का किया था, उससे पहले मैं जीके का बता चुका हूँ दोस्तों। तो अभी जो वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग, मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक से आए थे, आप लोग उन्हें प्रिपेयर करके चले जाइए। मेरे तरफ से आपका 25 to 28 मार्क्स एनी हाउ किसी भी हालत में आपका आ ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैथ्स के काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटिव मैथ्स बना लेते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ईजी रहेंगे दोस्तों, है ना। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, मेरे क्लास के बारे में पता चल सके, अर्जुन कोचिंग क्लास के बारे में, ठीक है दोस्तों, चैनल के बारे में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन आया था, और आप लोग जो कल और परसों जो पेपर दिला लिए होंगे आप लोग बताएंगे क्या इस क्वेश्चन से आया है कि नहीं, आप खुद कन्फर्म कर लीजिए, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मैं कुछ गलत फेक आइडिया दे रहा हूँ, फेक चीज़ बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं खुद ये एग्ज़ाम दिलाया हूँ और मेरा मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और कंप्यूटर सबसे अच्छा बना है, जिसके मैं सारे क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूँ, बस रीजनिंग का भी बचा हुआ है, बाकी सभी चीज़ का मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। हो सके तो रीजनिंग का भी आज शाम तक अपलोड कर दूंगा, जो जो क्वेश्चंस आए थे, जो जो टॉपिक्स है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या क्या आया था। तो मैथ्स में स्टार्ट करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों 5 to 3 क्वेश्चन आया था, कई दोस्त लोग को बोल रहे थे कि 3 आए, लेकिन मेरे को हिसाब से तो 5 क्वेश्चन आए हैं सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है दोस्तों। एवरेज की बात की जाए तो दोस्तों एवरेज से 2 क्वेश्चन आया था और एकदम इजी क्वेश्चन था। एक मैं बता दे रहा हूँ कि 70 लोगों का एवरेज 90 था, अगर 5 सभी के में बढ़ा दिया जाए तो कितना न्याय एवरेज होगा, तो सभी के में बढ़ा देने पर 95 एवरेज हो जाएगा, चाहे जितने भी आदमी हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ये एवरेज के टॉपिक से 2 क्वेश्चन थे। स्क्वायर एंड क्यूब रूट से जो क्वेश्चन थे वो 1 से 2 क्वेश्चन थे, भली मैं 1 लिखा हूँ, 1 क्वेश्चन ये था। देखिए सिंपल सी बात है, 12 का 1728 हो जाएगा, है ना, सॉरी फॉर 12 का 1728, तो 16 का कितना हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। 4096 मीन्स 12 का क्यूब अगर 1728 है तो 16 का घन क्यूब क्या होगा, 4096। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ईजी है एकदम, आप लोग मतलब 10-15 मिनट में आप लोग 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। HCF एंड LCM पर 2 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, वही है फॉर्मूला पर कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, ये फॉर्मूला यूज़ करके जाइए। और एक क्वेश्चन आया था ये वाला फॉर मतलब फ्रैक्शन वाला का HCF निकालना था, है ना। तो फार्मूला आप लोग को मैं एक वीडियो में बता ही चुका हूँ, NTPC पर मैं रेगुलर वीडियोज डालते रहता हूँ, तो NTPC पर आप लोग जाके देखें HCF पर, है ना। और HCF एंड LCM से 2 क्वेश्चन थे, ट्रेन से 1 क्वेश्चन मुझे याद है जहाँ तक, है ना। स्पीड एंड डिस्टेंस से दोस्तों, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी 1 क्वेश्चन आए हुए हैं। परसेंटेज से दोस्तों, परसेंटेज से 3 क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और 1 क्वेश्चन हालांकि उसमें गलत है, इसी के कारण मैं 30 से 29 ही क्वेश्चन अटेम्प कर पाया। आप अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताइए, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को पूछ रहा हूँ, अगर 36,000 में बेचता है तो कुछ नुकसान होता है, अगर उसी को 54,000 में बेचे तो जितना नुकसान हुआ था तो उसके जस्ट 3 गुना प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट उस नुकसान के 3 गुना होता है, तो उस केस में आप इसका क्रय मूल्य बताइए। क्योंकि ऑप्शन में मेरा आंसर आ रहा था 40,500 और ऑप्शन में दिया था कितना 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, तो मेरे को क्वेश्चन गलत लगा करके मैंने उसको स्किप कर दिया, इसलिए वरना मैं तो 30 में 30 अटेम्प्ट किया रहा था। तो प्रॉफिट एंड लॉस से वैसे दोस्तों 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, मतलब समय और कार्य से, ट्राइंगल और एंगल से आ रहे हैं दोस्तों, एकदम सिंपल क्वेश्चन, मतलब जब आप लोग 7वीं 8वीं पढ़ते थे तो ऐसे क्वेश्चन था, ये वाला एंगल दे दिया था 75 डिग्री समथिंग, हाँ, तो आपको ये वाला एंगल निकालना था। तो ये पैरेलल लाइंस है ना, समांतर रेखाएं बोलते हैं शायद हिंदी में, ठीक है। तो ये अगर 75 है तो ये भी 75 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, क्योंकि ये लिनियर पेयर बना रहे हैं। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए थे दोस्तों ट्राइंगल्स एंड एंगल से, ठीक है, 3 क्वेश्चन आए थे। एरिया ऑफ फिगर्स, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, दोस्तों ये सबको कर लीजिए क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, इससे लगभग 7 क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मैंने जितने बताया उस हिसाब से, तो 5, 2, 7, 1, 8, 2, 10, 11, 2, 11, 3, 15, 15, 3, 18, 18 और 2, 20, 20, 3, 23, 3, 26 और 4, 30। तो जहाँ तक मेरे नॉलेज में दोस्तों, अगर आप लोग भी कल पेपर दिलाए होंगे या परसों पेपर दिलाए होंगे और इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, तो दोस्तों आप लोग खुद शेयर किए क्या इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आया क्या, आप लोग खुद बताइए, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, है ना।
तो ये वीडियो कैसे लगा दोस्तों कमेंट्स करके बताएंगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल कर दे ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। मेरा यही मानना है कि कर भला तो हो भला। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।